चुकी है, हमारे लगेजेस भी रेडी हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन से लगेज किए हैं और बाकू की जो है बाकी डिटेल कि हम लोगों ने वीजा कौन सा किया और टिकट कहाँ से कराए ये बताएंगे आपको। दिलीशा वीजा हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया, उसका लिंक हम लोग आपको वीडियो में नीचे डिस्प्ले कर देंगे, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। $25 फीस है वीज़ा की और विज़ एयर जो है आपको पता है बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत कन्वीनियंट है स्पेशली फैमिली के लिए, बट जो दुबई और शारजा में लोग रहते हैं उनको जल्दी निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए। सो वी आर लीविंग अर्ली एंड लेट्स सी। और होटल्स हमने ऑलरेडी बुक करवा दिए हैं और वी आर टेकिंग सम डॉलर्स एंड सम अज़रबैजान मनात लोकल करेंसी है विद अस। सो आई थिंक वी विल मीट अगेन एट द एयरपोर्ट। बाय। लगेज हैं जो हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वैसे वेज एयर में प्रॉब्लम ये है कि आपको लगेज खुद से बाय करने पड़ेंगे वरना आपको सिर्फ बैग टैग अलाउ होता है। तो हम लोगों ने थ्री टिकट्स के साथ एक्स्ट्रा 20-20 केजी के लगेज करवाए हैं। इट्स टाइम टू गो। अबू धाबी एयरपोर्ट और अब तो अबू धाबी एयरपोर्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारा सामान निकल रहा है। चलें जी हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ड्रॉप ऑफ एरिया है वहाँ पे भी सब एयरलाइंस के नेम लिखे हैं, तो जिस जिस एयरलाइन में आपको जाना है आप उसी ड्रॉप ऑफ एरिया में उतरें। ये आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया इनका। हाँ अब जा रहे हैं अंदर। लेट्स सी। या काफी बड़ा बना हुआ है। तो अब मैं आपको विज एयर के कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे तो ये बजट फ्रेंडली एयरलाइन है बट अगर आपको ये की पॉइंट्स नहीं पता तो फिर आपके लिए थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। फर्स्ट पॉइंट है इनके लगेज पॉलिसी, क्योंकि ये लगेज सिर्फ शोल्डर बैग अलाउ करते हैं जो कि फ्री होता है। इसके अलावा अगर आप हैंड कैरी भी लेंगे तो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज चाहिए तो आपको पहले से टिकट के साथ बुक कराना पड़ता है। और इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इनका चेक इन प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है। तो चेक इन प्रोसेस के लिए सबसे पहले इनकी आती है वन डे बिफोर फ्लाइट ईमेल जो कि आपको चेक करनी होती है, और उसमें लिंक होता है बोर्डिंग पास का। उस लिंक को क्लिक करके आपको बोर्डिंग पास डाउनलोड करना पड़ता है। अगर वो बोर्डिंग पास आपने डाउनलोड नहीं किया और आपने वो वन डे बिफोर फ्लाइट के चेक इन ईमेल मिस कर दी तो एट द टाइम ऑफ चेक इन द एयरपोर्ट आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं हर टिकट के हिसाब से। तो इसमें आपके टिकट के जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ये वाला रिस्क बिल्कुल ना लें और फ्लाइट से एक दिन पहले अपने ईमेल ज़रूर चेक करें। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है सीट सिलेक्शन का। जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं तो सीट सिलेक्शन का ऑप्शन शो करता है और उसमें हर सीट के डिफरेंट रेट्स होते हैं, तो कोई भी सीट्स आपको फ्री नहीं नज़र आएंगी। अगर आपने उस वक्त सीट सिलेक्ट कर ली तो उसकी प्राइस आपके टिकट में ऐड हो जाएंगे। तो उस वक्त इस पॉइंट को स्किप कर दें और जब आप बोर्डिंग पास ले रहे होंगे तो वो रैंडमली आपको कोई भी सीट अपॉइंट कर देगा बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उससे आपके टिकट के बजट में कोई इजाफा नहीं होगा। मैम साहब तो जा चुके हैं लाउंज में, अब मैं भी चलती हूँ लाउंज की तरफ। और अब हम जा रहे हैं पर्ल लाउंज में। Beans, yogurt, or anything you think.
जाते हैं और इसको खा लेते हैं। यहाँ पे अगर आप खाने के लिए अगर आप पे कर कर आ रहे हैं तो खाना बहुत ही पसंद है। बहुत सारे डिशेज नज़र तो आ रही है बट खाने वाली टाइप जो है वो जो है बिल्कुल फ्यू चीज़ें हैं जो आप खा सकेंगे। सो फूड इज़ नॉट गुड एट ऑल। जो देखने में आपको इतना खूबसूरत लग रहा है वो खाने में बिल्कुल मुझे जो है ना बेकार लग रहा है। तो हमारे पास तीन कैरे पैक है और हमने दो से देख लिए जो कि हम लोग 5% थे। तो दो के पेट में भी मुझे जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर आना। सो अगर आप लोग पे करके आ रहे हैं जगह तो प्लीज़ यहाँ पर ना आए। बट यहाँ पे जो है ना आप इनको उनके लिए तो बेस्ट है बट काफ़ी कॉलेज वाले हैं उनके लिए बिल्कुल बेकार है। चलो ओके थैंक यू ना। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। फ्राइडेज भी नज़र आया मुझे, मैकडोनल्ड्स भी, बर्गर किंग, जॉन्स की ग्रॉसर भी एंड सो मैनी कैफेज की भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। सो अगर आपके पास लाउंज का कार्ड नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, कैफे में बैठने के लिए, बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी अंदर बहुत बड़ा है। अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। अब तो मुझे रोशनी भी नज़र आ रही है बाहर। चले जी अब हमारे जहाज़ में बैठने का टाइम आ गया है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। प्लेन भी बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था और फ़्लाइट भी बहुत स्मूथ थी। तो हमारा ये एक्सपीरियंस वज़ीर का बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह आगे भी हम ज़रूर ट्रैवल करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी बजट फ्रेंडली एयरलाइन है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक माई वीडियो। मैं इंशाल्लाह अज़रबैजान की पूरी सीरीज़ पोस्ट करूँगी तो वन बाय वन मेरी सारी वीडियोज़ देखिएगा। मैंने बहुत मज़े की वीडियोज़ बनाई हैं, सारी जगहों को कवर किया है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अज़रबैजान के बारे में। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, सी यू सून।